डिफ्रेक्शन में हम लोग डिफ्रेक्शन डिस्कस करेंगे। डिफ्रेक्शन 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 है क्या? बेसिकली जो डिफ्रेक्शन है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू द बेंडिंग फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से यदि लाइट बेंडिंग बेंड हो रही है और बेंड होने के बाद उसका इंटेंसिटी यानी द डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू bending from obstacle is known as diffraction। तो ये भी है diffraction जो है एक optical phenomenon है। ऑप्टिकल फेनोमेना है। ऑप्टिकल फेनोमेना है जिसमें लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज्योमेट्रिकल साइड में भी इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट redistributed in geometrical side geometrical set to geometrical set में light का जो redistribution है वो light का redistribution जो है वो geometrical set में है। इस तरह के जो phenomena है optical phenomena है इस optical phenomena को हम क्या कहते हैं? तो डिफ्रेक्शन क्या है? लाइट किसी ज्योमेट्रिकल शैडो से पास ऑब्स्टेकल से पास होती है, ऑब्स्टेकल से टकराती है और उससे बेंड होके यदि ज्योमेट्रिकल शैडो में यदि लाइट की इंटेंसिटी मिलती है तो दैट फेनोमेना इज नोन एज द डिफ्रेक्शन। तो डिफ्रेक्शन को डिफाइन किया गया, डिफ्रेक्शन जो है this phenomena of redistribution of intensity of light after the bending of light around the corner of obstacle ke corner se and spreading into the geometrical shadow of an object is called diffraction। to geometrical shadow mein yani ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है इसको हम कहते हैं डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन दो तरह का होता है, एक तो है फ्रेशनल डिफ्रेक्शन और दूसरा जो है फ्रॉनहॉफर डिफ्रेक्शन। दोनों में क्या अंतर है? फ्रेशनल डिफ्रेक्शन और फ्रॉनहॉफर डिफ्रेक्शन। यस सर, ये वीडियो साफ नहीं आ रही है। वीडियो साफ नहीं आ रही है, लाइट को
अब आ रही है साफ? यस सर। हाँ तो ये ज्योमेट्रिकल साइडों में ये लाइट जो स्प्रेड होती है उसकी इंटेंसिटी मिलती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि घरों में कॉर्नर में देखते हैं अंधेरा रहता है फिर भी वहां कुछ उजाला भी रहता है। तो लाइट जो है, लाइट को तो कहा गया है कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, वो बेंड नहीं होती, लेकिन उसकी कुछ इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो लाइट रेज जो चल रही है वो लाइट रेज सीधी रेखा में तो चलती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, सेंटर पर मैक्सिमम होगी, यानी जिधर चल रहा होगा उस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वहां से फिर क्या होगी, फिर दोनों साइड में जब चल रही है उसके दोनों साइड में क्या होगा, ये लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, क्रमशः डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं, ये ऑप्टिकल जो फेनोमेना है यानी डिफ्रेक्शन, ये ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद कैसे उसकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इंटेंसिटी को मैथमेटिकली इसको हम लोग फार्मूलेट कर सकते हैं, इसका फार्मूला निकाल सकते हैं कि कैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का क्या कंडीशन होगा, कहाँ मैक्सिमा होगा और कहाँ मिनिमा होगा, ये कंडीशन निकाला जा सकता है। अब किसी एक एपर्चर से यदि पास कराया जाएगा तो उसको हम सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन कहते हैं, यदि वही दो एपर्चर से पास कराया जाए तो उसको डबल डिफ्रेक्शन कहेंगे, उसी तरह से n यदि एपर्चर से पास कराए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, n n डिफ्रेक्शन ड्यू टू द n स्लिट कहेंगे, या उसी को ग्रेटिंग कहते हैं। तो ग्रेटिंग ग्रेटिंग जो है एक कह सकते हैं वो एक डिवाइस है जिससे हम लोग जो लाइट रेज आ रही हो उस लाइट रेज का हम लोग क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटिंग ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा भी पढ़ना है आपको, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा पढ़ना है, उसके बाद ग्रेटिंग का रिजर्विंग पावर, डिस्पर्सिव पावर, और उसके बाद से रैलिक क्राइटेरिया पढ़ना है। तो इतना डिफ्रेक्शन है, डिफ्रेक्शन दो तरह का होता है, फ्रेसनल डिफ्रेक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्रेसनल डिफ्रेक्शन में क्या होगा, इसमें स्क्रीन और जो कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जहां से टकरा के जा रही है या जो स्लिट है, वो उन दोनों के बीच क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस होगा। जबकि ये फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन जो है, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या होगा, ये जो ऑब्स्टेकल है या स्लिट है और स्क्रीन के बीच की जो दूरी होती है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस होगा, फाइनाइट होगा, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसमें इसमें प्लेन, इसमें जो वेव फ्रंट एक्चुअली होता क्या है कि डिफ्लेक्शन में क्या होता है, वेव फ्रंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वे वेव फ्रंट क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने से वही वेव फ्रंट कहीं ज्यादा हो जाएगा, वही वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तो जहां ज्यादा हो जाएगा वहां इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर ज्यादा होगा वहां इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां वेव फ्रंट कम होगा वहां इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो दैट फेनोमेना इज नोन एज डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन में क्या है कि किसी कॉर्नर से टकराने के बाद रेज यदि पास होती है, आगे जाती है, तो क्या होगा, ऑब्स्टेकल से पास होगी तो ज्योमेट्रिकल साइडों में लाइट का जो पड़ना है या इंटेंसिटी जो ऑफ लाइट जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट फेनोमेना इज नोन एज द डिफ्रेक्शन, इसको डिफ्रेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू द बेंडिंग फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ज्योमेट्रिकल साइडों में स्प्रेड हो रहा है, एंड स्प्रेडिंग लाइट टू ज्योमेट्रिकल सेट
ज्योमेट्रिकल शैडो में लाइट का, ये लाइट ज्योमेट्रिकल शैडो में जो पड़ रहा है उस वही फेनोमेना कहलाता है डिफ्रेक्शन कहलाता है। इस तो डिफ्रेक्शन दो तरह का होता है, फ्रेस्नल डिफ्रेक्शन, फ्रेस्नल ने बताया था, ये फ्रेस्नल जोन प्लेट होती है, जोन प्लेट की वजह से बनता है, किस जोन में कितना डिफ्लेक्शन पैटर्न बनेगा तो उस जोन प्लेट पर निर्भर करता है। इसमें क्या है, वेव फ्रंट के आधार पर होता है, तो वेव फ्रंट किस तरह का हो सकता है, प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, तो इसमें प्लेन वेव फ्रंट के रूप में मिलता है। इसमें सोर्स और स्टडी के बीच का फाइनाइट डिस्टेंस होगा, जबकि सोर्स और स्क्रीन जो है उसके बीच की जो दूरी होगी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस जिसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में भी डिफरेंस है। इंटरफेरेंस पैटर्न में भी फ्रिंजेस मिलते हैं और डिफ्रेक्शन पैटर्न में भी फ्रिंजेस मिलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा सा जान लें कि डिफरेंस इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट देखिए, इस तरह से पार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस जो है इट्स अकर्स बिटवीन टू सेपरेट वेव फ्रंट फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स। इसमें कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है, अकर्स between two sources, two coherent sources, अगर दो coherent sources की होगा डिफ्रेक्शन में क्या होगा, इट आकर्स ड्यू टू द सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सेकेंडरी वेवलेट्स के थ्रू होगा, यानी आकर्स ड्यू टू द सेकेंडरी वेवलेट्स, आकर्स सेकेंडरी वेवलेट्स वो क्या होंगे, ये फ्रिंजेस जो होंगे इक्वली स्प्रेड होंगे, यानी समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, जितनी मैक्सिमा होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, समान होगी, डार्क की जो डार्कनेस है वो क्या होगा, समान होगा। जबकि डिफ्रेक्शन में देखेंगे कि डिफ्रेक्शन में इंटरफेरेंस और इसमें डिफ्रेक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें सेंटर को मैक्सिमा होगा और इंटेंसिटी सबकी क्या होगी, धीरे धीरे दोनों साइड में क्या होगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली
स्पेस फ्री स्पेस जो होगा, जबकि डिफ्लेक्शन फ्रिंज जो होगी नेवर इंक्रीज स्पेस, कभी क्या होगा समान, यानी मैक्सिमा जो होगा उसकी ब्रॉडनेस ज्यादा होगी और मिनिमा जो होगा उसकी उससे थोड़ा सा कम क्या होगा, जो फ्रिंज चिपका होगा उसकी ब्रॉडनेस क्या होगी कम। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन फ्रिंज का डिफ्लेक्शन इसके जितने भी सब मैक्सिमा होंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगा सेम, जबकि इनके मैक्सिमा में सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन डिक्रीज करता चला जाएगा। तो द मैक्सिमम आर ऑफ सेल इंटेंसिटी, तो कितने भी मैक्सिमम हो सकते इंटेंसिटी क्या होगा सेम होगा। इसमें क्या होगा सेंटर मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, उसके बाद से इंटेंसिटी क्या होगा डिक्रीज होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम maximum and decreasing either side of and decreasing on either side the order increases. जो order increase करेगी, order of maximum increase होगा, तो ये maximum intensity क्या होगी decrease करती है, ठीक है? Minima perfectly dark, इसका क्या होगा minima जो होगा perfectly dark होगा, जबकि इसका minima जो होगा वो perfectly dark नहीं होगा, कुछ वहाँ genetical intensity रहेगी, तो इसका जो है the minima are perfectly dark होगा, जबकि इसका जो minima होगा perfectly dark नहीं होगा, never perfectly dark, the minima never perfectly dark, ये perfectly dark नहीं होगा, यानी ये जो है interference of diffraction में कोई ना प्रायः नहीं, अंतर है, अंतर ये है कि ये आप ये दो current sources से होता है, आप दो current source होगा तो एक interference होगा, जबकि ये wavefront के थ्रू वेवफ्रंट डिवाइड होंगे उसके थ्रू बनेगा, ठीक है, इंटेंसिटी का पैटर्न डिक्रीज डिक्रीज होगा और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होंगी इक्वली डिस्प्लेड होंगी, यानी इसमें कभी जो है समान कह सकते स्पेस जो होगा, जबकि फ्रिंजेस जो कभी इक्वली स्पेस नहीं होगी, मैक्सिमा जो होगा वो क्या होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा डिफरेंस में सबका समान होगा, जबकि डिफ्रेक्शन में सेंटर पर मैक्सिमम जो होगी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और दोनों साइड में दोनों साइड की जो मैक्सिमा होगी क्रमशः डिक्रीज करती जाएगी, इंटेंसिटी उसमें क्रमशः डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना। तो उसी तरह से मिनिमा जो होगा परफेक्टली डार्क होगा इंटरफेरेंस का और डिफ्रेक्शन का मिनिमा नेवर परफेक्टली डार्क होगी डार्क नहीं होगा, तो ये डिफरेंस है।
फ्रॉम हाफर और फ्रेशनल में क्या डिफरेंस है? फ्रॉम हाफर में क्या होगा, स्क्रीन और जो वो है या सोर्स ऑफ लाइट है, इनके बीच जो होगा वो क्या होना चाहिए? फ्रॉम हाफर में इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, इनफाइनाइट, और फ्रेशनल में क्या होगा? फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना? Yes. अब क्या करेंगे, वेव फ्रंट को फाइंड करने के लिए हम लोग फ्रॉम हाफर में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें वेव फ्रंट को सिलिंडर और वेव, इसमें जो वेव फ्रंट होगा ये फ्रॉम हाफर में फ्रेशनल में जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगी वो सिलिंडर और स्फेरिकल होगी, ठीक है? फ्रॉम हाफर डिफ्रेक्शन में सेंट्रल डिफ्रेक्शन जो होगा पैटर्न ऑलवेज ब्राइट होगा, जबकि फ्रेशनल में क्या होगा, सेंट्रल डिफ्रेक्शन पैटर्न में भी डार्क या ब्राइट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्रेशनल जो, तो नंबर ऑफ फ्रेशनल जो पे डिपेंड करेगा डिफ्रेक्शन पैटर्न में, फ्रेशनल में कि सेंटर पर डार्क है या ब्राइट है, जबकि फ्रॉम हाफर में क्या होगा, एक ही पैटर्न मिलेगा, सेंटर पर मैक्सिमा होगा और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है? ये डिफरेंसेस हैं। इसके बाद से आपके सिलेबस में है फ्रेशनल डिफ्रेक्शन, हाफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट का मतलब क्या होता है, एक एपर्चर से लाइट को पास कराया जाए, और सिंगल स्लिट एक एपर्चर से पास कराएंगे, और पास कराने के बाद स्क्रीन पर यदि उसको कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज किया जाए, इस पर इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जो होगी उसका क्या मैथमेटिकल पैटर्न होगा, यदि सेंटर पर मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमम का क्या पैटर्न होगा, दोनों साइड इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है तो उसका पैटर्न मैथमेटिकली उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम हाफर डिफ्रेक्शन टू द सिंगल स्लिट, सिलेबस में है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमम कहाँ होता है, मैक्सिमा और मिनिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। जो इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम की इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीज करने का रेशियो पूछता है, इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज करती है, ठीक है? तो फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट में क्या है, इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है और रेज जो है, रेज इनफाइनाइट से आ रही है, रेज लाइट, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्स करके सिंगल स्लिट को पैरेलल, सिंगल स्लिट के पैरेलल उस पर परपेंडिकुलर लेंस के पैरेलल, लेंस के पैरेलल कर लेते हैं और उसको हम लोग स्लिट पर डालते हैं। स्लिट पर डालने के बाद उसको कन्वर्जिंग लेंस से स्क्रीन पर कन्वर्ज करते हैं। तो इसमें मानना है, माना कि जो लाइट है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से आ रही है। लेट अस सपोज दैट एस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यदि एक एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, प्लेस एट द फोकस ऑफ लेंस L1, L1 मतलब क्या हो रहा है, ग्रेट हो रहा है, लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम एस ऑन नैरो स्लिट AB, एक स्लिट AB है of width उसकी चौड़ाई की हुई है E, and refract is diffracted और ये reflect हो रही है,
the refracted beam of is focused at the screen S X Y. X Y screen है, उस पर क्या किया गया है? Converging lens से इसको focus किया गया है by converging lens L2. ठीक है, refraction pattern है in the central bright band followed by the alternating dark band of decreasing intensity of M on both sides. यदि ऐसा किया जाए तो सेंटर के पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा और दोनों साइड क्या होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज करती हुई मैक्सिमा मिलेगी, मैक्सिमा मिलेगी. द डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्टेड रेज फोकस्ड एट द पॉइंट पी ऑन स्क्रीन एट एंगल थीटा, देन फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, स्क्रीन पी पर पॉइंट बी पर इंटेंसिटी फाइंड करना है. Let us draw the normal. देखिए इस पर क्या करते हैं, इसको ग्राफ इसको समझेंगे, इस फिगर से समझेंगे. फिगर देखो, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स है, यहाँ क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस यहाँ से रेज चली, यहाँ से रेज चली, यहाँ से यहाँ एक स्लिट है, स्लिट मींस अपर्चर, ये अपर्चर है, यहाँ से रेज चली, ये अपर्चर पर पॉइंट हुआ, ये अपर्चर है, अपर्चर ए बी इसकी थिकनेस जो है ये क्या है, ए बी बराबर पी है, बी पी है. यहाँ देखिए यहाँ से लाइट क्या होगी, सीधी भी चलेगी और बेंड भी होगी. यहाँ मान के देखिए और लेंस लगा लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं स्क्रीन पर, यहाँ से एक और लेंस लगवा दिया, ये एल वन है, ये सोर्स एस है, ये स्लिट है, स्लिट है, यहाँ से रे सीधे चलेगी, ये रे सीधे चलेगी, यहाँ से सीधे भी चलेगी. यहाँ से मान लेते हैं कि थीटा एक बेंड होती है, तो थीटा एक बेंड होती है, यहाँ से मान लेते हैं कि थीटा एक बेंड हो रही है. यहाँ स्क्रीन ले लेते हैं, स्क्रीन ले लें, स्क्रीन पर यहाँ यहाँ से रेट चलेगी, ये बेंड होके मान लेते हैं यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट को मिल रहा है, ये सेंटर को मान लेते हैं पी है, ये एक्स और वाई क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन है, एक्स वाई स्क्रीन है, ये लेंस L2 है. अगर देखिए यहाँ से बेंड किया है, इन दोनों रेज के बीच, ये दो रेज है, इन दोनों रेज के बीच पाथ डिफरेंस निकाल लिया जाए, तो पाथ डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस निकाल यहाँ से देख लें, यहाँ से इसको हम नॉर्मल ड्रा कर लें, तो नॉर्मल ड्रा कर लें कि ये पाथ डिफरेंस हमें मान लेते हैं ये एन है, ये एन है, ये दोनों यहाँ से इनिशियल फील्ड डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा. यानी ये एन ए के बाद क्या होगा, दोनों के बीच इनिशियल फील्ड डिफरेंस जीरो होगा. ठीक है, ये एंगल कितना होगा, वो क्या होगा, वो थीटा होगा, कितना बेंड हुआ है, ये कितना क्या होगा. अब जरा देखिए ये ई है, ये कितना क्या है, ए बी, ये भी बराबर क्या है, ई है. तो पाथ डिफरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होगा, बी एम दो रेज के बीच, दो रेज के बीच जो पार्ट डिफरेंस होगा, देन
पांच डिफरेंस इज बीएन होगा, बीएन बराबर क्या हो सकता है, बीएन लेंगे ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा होगा, ठीक है। तो बीएन बराबर क्या हो जाएगा, बीएन इक्वल टू हो जाएगा ई साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू बीएन अपॉन ए ए बी, तो साइन थीटा मान सकते हैं। और जैसे कि ए बी इक्वल टू ई है तो हो जाएगा साइन थीटा, यहां से बी एन इक्वल टू हो गया, ये बार डिफरेंस हो गया ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा हो गया बार डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकाल लिया जाए, फेज डिफरेंस जो होता है ट्वाइस पाई ऑन लैम्डा ऑफ द पाथ डिफरेंस, यहां से फेज डिफरेंस निकाल लिया, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा ऑफ द पाथ डिफरेंस, तो ये पाथ डिफरेंस, ठीक है। द फेज डिफरेंस is difference may be difference to the value by upon lambda or part of this lambda over e sin theta, e sin theta। अब जब देखिए ये जो है इसमें कितने दूरी में, यदि मान लिया जाए कि n पॉइंट्स होंगे, n पॉइंट से वो क्या हो रहा है, डिफरेक्ट हो रहा होगा, n पॉइंट से यदि डिफरेक्ट हो रहा है, n पॉइंट से डिफरेंट हो रहा है, तो इसमें लेट अस सपोज दैट ए बी डिवाइडेड इनटू द लास्ट नंबर ऑफ n, यानी मान लिया जाए ए बी जो है डिवाइडेड है, डिवाइडेड n n पॉइंट्स, n पॉइंट्स में डिवाइड है, तो इन दो के बीच, दो पॉइंट्स के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा, ये इससे डिवाइड कर दिया जाए, यहां से डिवाइड करके इस इक्वेशन में आते हैं, फर्स्ट ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2 में ये डिफरेंस, ये पूरा फेज डिफरेंस, ये टोटल फेज डिफरेंस है, इन ये दो पॉइंट के बीच जैसे कोई डिफरेंस निकाला जाए तो दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो फेज डिफरेंस निकाल लिया जाए। यानी इक्वल पार्ट से रेयर infinite, infinitely large number of points in the second wavelets between A and B. A और B के बीच large number of secondary wavelets होगी, और दो secondary wavelets के बीच इतना phase difference होगा, therefore the phase difference phase difference secondary wavelets, secondary wavelets is given by delta, इसको delta नाम दे दिया, delta equal to 2 pi e sin theta upon n, ये इक्वेशन हो गया। यहां से दो इन दो पॉइंट के बीच जो रेस चल रही है, इन दो पॉइंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कहलाया डेल्टा इक्वल टू पाई ई साइन थीटा अपॉन एन, ठीक है। अब जैसे देखिए आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन सिलेबस के बियॉन्ड इसको जाते हैं, यदि कोई रेज n टाइम्स बेंड होती है और n टाइम्स बेंड होने के बाद उसका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है उसके लिए फॉर्मूलेशन अलग से करते हैं, तो n टाइम्स यदि बेंड हुआ है तो n टाइम्स बेंड होने के बाद उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, n vibration, the resultant amplitude of n vibration, each amplitude a
यदि एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि जो रेज है उसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, एंड फेज डिफरेंस डेल्टा है, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, यदि मान लेते ऐसे मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, मान लेते हैं कि वेव है ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा है और ये इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है, कि n टाइम्स वेट होने के बाद किसी विंड पर आ रहा है, या हम विंड पर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यदि r मान लिया जाए, मान लेते हैं कि जल्दी में जो डेल्टा है, हर बार डेल्टा ए का बराबर विंड हो जा रहा है, n टाइम्स विंड होने के बाद ये मान लेते हैं कि थीटा है, n टाइम्स वेट होने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होगा, वो क्या होगा, a sin n डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin डेल्टा बाय 2, ठीक है ना। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला n टाइम्स वेट होता है, n टाइम्स वेट होने के बाद इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम लोग यहां से सीधे इसको ले रहे हैं, इसको हम डिराइव कर सकते थे लेकिन समय अभाव में हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसको हम दिखा सकते थे, ये जो r ये कहां से आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड of light after n vibration, n vibration के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है n vibrations के बाद कितना होगा, तब इसमें क्या करेंगे हम डेल्टा की वैल्यू रखते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा फ्रॉम अपवर्ड डिफ्रैक्शन में, क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा और उसके आधार पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मिल जाएगा, इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा और मिनिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसको यहाँ से कर सकते हैं, यानी ये मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी मिल जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद से हम फिर ये दिखाने के लिए आता है कि सेंट्रल पर मैक्सिमा जो है उसकी इंटेंसिटी, उसके बाद जो इंटेंसिटी वो प्रेसेंट डिक्रीज करती है, तो वो डिक्रीजिंग का प्रोसेस क्या है उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से डेल्टा को वेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इक्वेशन 3 और 4 से इसमें हम डेल्टा की वैल्यू रख देंगे, तो यहां से हम फाइनल रिजल्ट मिलेगा। शिवम कुमार ऑनलाइन है क्या, शिवम कुमार नहीं, तो यहां से रिजल्टेंट